मेरा नाम रितु रेखी है, मेरी उम्र 40 साल है। मैं ऑस्ट्रेलिया तो आई हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन हैगी हाँ। मेरी स्पाइन च उत्थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, मैं उत्थे डॉक्टरों नू दिखाया, उन्होंने मैं MRI लिए सुजेस्ट किया सी। तो मैं जो MRI करवाई उन्होंने मैं कहा कि भी तेरा स्पाइनल फ्लूड जड़ा वै लीक होता पे हैगा वै, जड़ा कि तेरे ब्रेन नाल कनैक्टिड हैगा वै, तो ये असी तेन सर्जरी प्रैफर करांगे, पर असी हले तेरी सर्जरी नहीं कर सकते गे जिन्नी देर तक तेन अपने मतलब सुसु पार्टी का पता ना लगे कि भी पास होना ना शुरू हो जाए बिच, तो ये तेन वेट करनी पेगी। फिर तुसी जो तुम एमरजेंसी फील होएगा तुसी उदो हॉस्पिटल आना, असी उदो तुहाडी सर्जरी करांगे। पर फिर मैं ते मेरे हस्बैंड ने उत्थे सलाह की कि भी आप इन्ना लंबा वेट क्यों करिए, तो आप अपनी फैमिली नाल डिसाइड किया कि असी इंडिया जाके उत्थे अच्छे डॉक्टर्स नू दिखाने गए। फिर मैं इतने इंडिया आई तो मैं किसी ने अमनदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐश्वर्या आदित्य बारे दसिया सी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है ने। मैं उन्होंने दिखाया क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेशनस है, तो उन्होंने कहा कि भी सर्जरी थोड़ी जी रिस्की होएगी, पर फिर भी उन्होंने मेरी सर्जरी करने बारे सोचा। सर्जरी हो गई, सारा कुछ हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया वै। डॉक्टर बहुत अच्छे गए ने, बड़े हेल्पफुल है ने, उन्होंने मेरी इन्नी ज़्यादा मदद की गई है कि हूँ मैं अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक ठाक चल सकती गई हाँ। उत्थे मैंने डॉक्टर ने कहा कि भी जे तुम स्पाइन सर्जरी करवाते हो तो तुम पैरालाइज होने का भी डर हैगा वै, पर डॉक्टर मेरा ने बहुत अच्छा हार्डवर्क किया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक करता है। हूँ मैं अपनी सर्जरी बहुत ज़्यादा खुश हाँ और मैं होर लोगों भी रैफर करांगी कि भी प्लीज़ तुम भी डॉक्टर मेरा दिखावो और अपना इलाज ठीक करवावो। क्योंकि जो मैं अमनदीप हॉस्पिटल में अपनी स्पाइन की सर्जरी करवा ले गई उदो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस COVID-19 फैलिया हुआ सी, पर फिर भी अमनदीप हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छी तरह हेल्थ सेफ्टी इशूज़ नू देख दे मेरी सर्जरी बहुत अच्छी की और मेरी सेहत का पूरा ख्याल रखा। अमनदीप हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, सारे उन्होंने स्टाफ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, उन्होंने डॉक्टर्स बहुत अच्छे है ने, बहुत ज़्यादा इंटेलीजेंट है ने। हूँ क्योंकि मेरी स्पाइन सर्जरी हुई है, इस तो बाद मैं फिर एक अपनी नीह की भी सर्जरी उन्होंने को करवानी है। मैंने उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, डॉक्टर अवतार सिंह तो डॉक्टर ऐश्वर्या मेरा तो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है ने। मैं अपनी फैमिली होर लोगों भी रैकमेंड करूँगी कि प्लीज़ तुम उत्थे जावो, उन्होंने सहूलतों का लाभ उठावो। So I would like to share one of my experiences of a surgery that we did for a patient who came from Australia. Patient Australia se aaya tha. Ye 39 years old female jinka naam Ritu Rekhi tha. Aur inki problem thi bhi inki reed ki haddi mein bahut zor se dard tha aur wo taang mein dard aa raha tha. और जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें हमने पाया कि भी शी हैड स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस L4/L5 Grade 2, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं भी जो रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं वो खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सीवियर पेन था। तो जब ये पेशेंट दिखाने आई तो उस समय कोरोना का संकट भी आ गया, जिसके कारण ये पेशेंट वापस ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सकती थी और ये लॉकडाउन में फंस गई और काफ़ी सीवियर पेन में थी। उन्होंने काफ़ी जगह कंसल्ट भी किया और मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने शायद ऑपरेशन से मना भी कर दिया। वैसे भी इन पेशेंट को और भी बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे कि शी वॉज हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस और Type 2 डायबिटीज़ भी थी इनको, और सबसे बड़ी बात शी वॉज़ वेरी हैवी। मेरा ख्याल इनका वज़न कोई 100-125 किलो के आसपास का था। सो वी टुक दैट चैलेंज बिकॉज शी वॉज़ इन सीवियर पेन, तो इस पेशेंट की हमने सर्जरी की और वो सर्जरी में हमने बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे चीरे लगा के इनका ऑपरेशन किया गया और इनकी स्पाइन को फिक्स किया गया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी हैड वेरी गुड रिकवरी, पेशेंट की सारी दर्द ख़त्म हो गई। फॉलोअप में भी 2-3 बारी वो दिखा के गई
एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल. सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड. थैंक यू.